जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी को बोला साला जवानी में अपना हक मांगो तो बचपना कहते हैं, मेरी उम्र में अपना हक मांगो तो मिड लाइफ क्राइसिस का नाम देते हैं। बहुत हो गया ये चूतिया टर्म्स, ये स्यूडो इंटेलेक्चुअल कोड्स। अपने बच्चों से मिलने से मैं क्यों डरूं और किससे? सिर्फ स्पर्म दान नहीं किया है मैंने, बाप हूं मैं उनका। I just have to meet my kids. ओए, कितने कितने कितने? I thought we were going to meet your sister-in-law, ex-sister-in-law. मुझे कहीं और जाना है। पर मेरे को तो मिलना है, मैंने कितना Instagram पे स्टॉक किया, बहुत कूल है वो। फिर क्यों मिलना है? तुम इतने weird हो तो my family कितनी weird होगी हाँ? बहुत। चलो बैठो दिखा दूँ। लेकिन कितने? चिड़ियाघर। तो मुझे उस चिड़ियाघर में इसलिए ले जा रहे हो ना क्योंकि तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारे एक यंग हॉट बॉयफ्रेंड है। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं, मुझे तो लग रहा था कि मेरी जिंदगी में ना थोड़ी सी ड्रामा डेफिशिएंसी चल रही है। आई एम गोइंग टू द राइट प्लेस बॉस। तुम्हारी एक्स वाइफ होगी ना वहाँ पे? हाँ, इफ यू आर लकी एक्स भी होगी, करंट भी होगी। वाओ, जैकपॉट। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है, बेबाक, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। ये सच है या ढोंग? किस चीज से मुझे डर लगता है ना, कई चीज मुझे बहुत एक्साइट करती है। तुम टेलीविजन सोप्स नहीं देखती ना? चलो आज मैं तुम्हें इंडिया का बेस्ट टेलीविजन सोप दिखाता हूँ, सीजन 1, 2, 3 तीनों साथ में। निकी को बोला कबीर यहाँ। मम्मा। अनन्या, क्या हुआ है ना? निकी, ओपन दिस फकिंग गॉडडैम डोर यार। निकी, वाओ, ओपनिंग क्रेडिट से ड्रामा शुरू हुआ। Very nice. ये कौन थी, बीवी नंबर वन या बीवी नंबर दो? मुझे लगता है बीवी नंबर दो थी। हाँ, she has some serious anger issues. पूनम, मुझे ये सब सिचुएशन को नहीं संभालना। I don't want that man here. Please. मालती, ऊपर चलो। है ना? Nikki, open this fucking goddamn door, यार। Hi. Dad, आप यहाँ क्यों आए हो? And what's wrong with you? Dad, आप यहाँ यहाँ से जाओ। I will surely meet you. Hey, Nikki, tell me. एक साल के बाद तुम वापस आए, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? Dad, please. You are very drunk right now. Sorry, excuse me. Ro, अभी drunk नहीं है। अभी drunk बनने में थोड़ा समय है। Who are you? And Dad, ये कौन? Nikki. निकी, तुम अंदर जाओ। तुम अंदर जाओ निकी। रोहित, ये क्या है, क्या तमाशा कर रहे हो? ए, ए, ए। दरवाजा खोल दे पूनम। माँ, जाने दो उसे, वो चला जाएगा। दरवाजा खोल दे माँ।
Well, let me guess. First ex-wife and second daughter, right? But very good, yeah. दोनों कितनी hoties हैं। पर तूने क्या किया रो कि तेरे दोनों बीवियाँ तेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके चली गईं? चुप करना यार। My opinion of you is changing, हाँ? थोड़ा badass निकला। चलिया। Fuck, I'm really sorry. तुम्हारे घर में ये मेरा stupid सा family drama चल रहा है। Don't be sorry. Anna is like our family, यार। मुझे तो बस Anna की tension हो रही है। You don't worry. You help your mom. हट। ये कोई तरीका नहीं है। आंटी नेबर सुन रहे हैं। क्यों किसी के घर के बाहर तमाशा खड़ा कर रहे हो? बार बार तेरे मुंह पे दरवाजा बंद होता तो तू क्या करती? एनी के। रो। हाय कंग्रेचुलेशन। रोहित। चुप रहा माँ। वाह। ग्रेट इंडियन फैमिली। एक साल बाद तू वापस आई। तूने अपने डैड को फोन करना जरूरी नहीं समझा? डैड आप यहाँ पर क्यों आए? किसने बुलाया आपको? बुलाया? मुझे बुलाने की जरूरत है? मेरी फेवरेट डॉटर की वेलकम पार्टी सेलिब्रेट की जा रही, तो मैं आ गया। सभी तो हैं यहाँ, फ्रेंड्स, मेरी डॉटर्स, माँ, एक्स-वाइफ और एक्स-वाइफ का करंट। समबडीज मिसिंग है? कहाँ है? बुलाओ। हे रोहित, स्टॉप इट। क्या तमाशा कर रहे हो तुम? और तुमने अभी अपने साथ अपनी ये यंग फ्रेंड्स को भी लाना शुरू कर दिया? यंग फ्रेंड्स? लुक हू'स टॉकिंग। भाई साहब की तो मुझे भी नहीं निकली अब तक। डैड प्लीज, हम आज सिर्फ निकी की वेलकम पार्टी नहीं कर रहे, हम साथ ही साथ राखी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं विद आवर फैमिली। एंड यू आर नॉट इनवाइटेड। राइट 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 राइट। राखी टुडे नॉट फादर्स डे। होता भी तो क्या फर्क पड़ता। अमारा बॉटल। By the way, guys, this is मेरी Oh, nothing, nothing. Please ignore me. Yeah. Please carry on. You were saying. Huh? You were saying. What? वो Kardashian. Dad, please. ये हमारा घर नहीं है कि हम आपको यहाँ पर entertain करें। ये चेरी का घर है and we are her guests, okay? So just please leave. Cherry and me go back a long way, huh, Cherry? Just call me Jiju. Ask her. Right? जीजू बुलाती थी तुम मुझे जब मेरी उसके साथ शादी हुई थी, याद है ना? हेर कहाँ हुआ? मुझे देख के चुप गई या भाग गई? सब भाग गई होगी। भागने की पुरानी आदत है। कौन है? आना, दिस इज हैरी। Hey, Kabir. Harry, I want to get out of here. Amma, Kabir ka bag pack karo. Let's just leave from here. Anna, tum yahan se kyun jaogi? For heaven's sake, ye tumhari friend ka ghar hai. And Kabir ka first raksha bandhan hai yaar, Anna. Kya kar rahi ho tum? Agar koi jayega na yahan se. But Rohit, just wait. Just relax, okay? Relax. Oh, swaad aa gaya, Amma. क्यों? ऑकवर्ड फील कर रही है? ये आप पूछ रहे हो मुझसे? वाह। खा ले थोड़ा। मेरी माँ बहुत कमाल का खाना बनाती है, सबको भरपेट खिलाती है, सबकी परवाह करती है, फिर मुझे मांग के खाना पड़ता है ना माँ? हेलो तो बोल। नमस्ते आंटी। खुश रहो। जैसे ही मेरा डिवोर्स हुआ, मेरी माँ वहाँ चली गई उसके साथ रहने। माँ है एक्स वाइफ पूनम और उसका क्या? हेलो, हाय पूनम। ओए क्या नाम है तेरा? यार आई नो बट व्हाटएवर। गाजर का हलवा खाएगा? नहीं, मैंने सोचा पूछ लूँ तुझे, क्या तेरे में टेस्ट है। मैं ना रोहित। Baby, let's go. Baby,
बेबी तो पूनम तुम्हें से बोलना चाहिए। निकी चलो। निकी कहीं नहीं जाएगी, मुझे बात करनी उससे। Hey, listen, dude, अगर तुम्हें एक मैच्योर लड़की की तरह बात करनी है ना तो चलो घर चलो। बट रियली दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दिस इज नॉट वर्किंग आउट। और अभी निकी को आपसे बात नहीं करनी है, सो प्लीज जस्ट बैक ऑफ। ये चमू तू मुझे बताएगा कि मेरी बेटी को मुझसे बात करनी है या नहीं। Dad, just stop it, okay? Just stop the just try not to be the father of the year, okay? After this shit. और आप क्या क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं? आप ये लड़की को अपने साथ लेकर आए क्यों? हाँ? मेरी बड़ी बेटी बानी ब्रह्म में जी रही है, किसकी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। कम उम्र में शादी कर ली मुझे सबक सिखाने के लिए, फिर डिवोर्स दे दिया उसे क्योंकि मैंने इसकी माँ को डिवोर्स दिया। और अब 3 साल से उसी औरत के साथ काम कर रही है जो मुझे छोड़कर गई। भाई एंजॉय योरसेल्फ बेटा। दैट सीरियसली अब वहां बैठ के मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन माय लाइफ? कैसे पता चलेगा? पिछले 3 साल में हैव यू बॉदर्ड टू टॉक टू मी? मुझसे बात की तूने? हाउ वुड आई टॉक टू समबडी हु इज ऑलवेज ड्रंक? प्लीज स्टॉप इट, प्लीज, लाइक दिस इज टू मच नाउ। पता है मैं इंडिया क्यों आई थी? क्योंकि मुझे आप लोग सबसे कुछ शेयर करना था, क्योंकि मेरी लाइफ में ना कुछ यूज हो रहा है, लाइक मुझे सिर्फ शेयर करना था आप लोगों से। चलिए इनका फैमिली मैटर है, तुम भी चलो, फैमिली इश्यूज़ है, बोर हो जाओगी। लेट मी शो यू द गार्डन। ओह नो, थैंक यू, आई एम गुड, ओके, नेक्स्ट टाइम अगली बार। सर मुझे इसके अलावा अभी और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें ये सब देखकर मजा आ रहा है? किसी का परिवार टूटते हुए देखकर किक मिल रही है तुम्हें? यहाँ बैठकर सेडिस्टिक प्लेजर ले रही हो तुम? What's wrong with you? इश्यूज है क्या यहाँ? हाँ, ओके, बाय। शेमलेस। I just wanted to share that I'm getting married. निकी, किससे? तुमने बताया नहीं मुझे। उसका नाम ईशान है और हम लोग कोलंबिया में साथ में पढ़ते थे। आई नो मैंने आपको नहीं बताया बट निकी 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 आई डोंट थिंक दिस इज योर एज टू डैड प्लीज अगर आप शादी के बारे में ज्ञान नहीं देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। स्टॉप इट, स्टॉप इट बानी, प्लीज स्टॉप इट। आई मीन नहीं, एक मिनट मॉम, या मतलब डैड, मैं खुद आपके पास आके मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, सब कुछ। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को ना आप दोनों से मिलना भी था। बट लुक एट यू, लुक एट ऑल ऑफ यू। मैं ईशान को कैसे बताऊं कि मेरी जो फैमिली है ना वो परफेक्ट डिसफंक्शनल फैमिली है, पूरी की पूरी। मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि मेरे डैड है वो कभी भी के नहीं आने वाले हैं, जो ये जो जो मेरे पेरेंट्स हैं नहीं लड़ने वाले हैं कभी भी नहीं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये सब मैं आना कहाँ से फंस गई। Like, 5 साल पहले मॉम, just 5 years back, हम लोग अच्छे खासे टिपिकल बोरिंग फैमिली थे। एंड आई वाज हैप्पी दैट टाइम। यार आप लोग, आप एक प्रॉपर मम्मी थी, ये एक प्रॉपर डैड थे। एंड आई उसके बाद सब कुछ बदल गया, सबकी लाइफ घूम गई। इमेजिन इसने गुस्से में आके आर्या से शादी किया। लुक एट हर राइट नाउ, व्हाट इज शी राइट नाउ? आपके एक डिसीजन ने सबकी लाइफ खराब कर दी। नाउ यू शुड बी हैप्पी, वी आर डिसफंक्शनल, वी आर परफेक्ट डिसफंक्शनल फैमिली। एंड प्लीज प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे इस डिसफंक्शनैलिटी से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई स्वेयर। प्रॉब्लम ये है, हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। फिर आप लोग ही बोलो, इस सिचुएशन में मैं ईशान को इस फैमिली में कैसे इंट्रोड्यूस करूं यार, कैसे करूं? नो, डोंट क्राई। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना अभी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। डोंट क्राई। नो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पूनम प्लीज, हम दोनों को जाते जाते घर ड्रॉप कर दो। हाँ माँ, चले। रोहित तू भी जा यहाँ से। बाय गाइस।
है ना? सब लोग चले गए हैं, बस वो रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर ही हैं। हैरी तुम प्लीज अपनी कार बुलवा लो, लेट्स जस्ट लीव फ्रॉम हियर। हम लोग क्यों जाएंगे यहाँ से? अगर कोई जाएगा तो रोहित जाएगा यहाँ से, है ना? मैं उससे बात करता हूँ। नो 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 प्लीज हैरी, तुम उससे बात मत करना प्लीज। चलो पार्टनर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ऐसे भी तुमने सबको भगा दिया है, तुम्हारी बेटियां चली गई हैं, तो निकले या बर्तन वर्तन धोने हैं तुम्हें? प्यास लगी है, पानी भी किया था। हे अना, यू सो डैम स्ट्रांग यार, एंड यू फेस मच वर्स देन दिस। अना एक ना एक दिन तो रोहित से फेस टू फेस आना पड़ेगा, है ना? तुम्हें डिवोर्स तो चाहिए ना? Sorry to disturb your romance. प्यास लगी, पानी ले आओ। You stay here. You. Enough हुआ तुम्हारा नाटक का? Out. I said get out. She's so cute when she's angry, yeah. Oh, wait for me outside. What the fuck do you think of yourself? How dare you, Rohit? तुम यहाँ मेरी friend के घर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? Just look at you, you bloody drunk man. You look like a loser. अब तुम ये भी कहोगी कि मैं अपनी माँ से भीख मांग के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, blah 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 blah. You know what? मैं जहाँ हूँ ना आज, तुम्हारी वजह से. Don't you dare blame me, okay, Rohit? तुम इतने सेल्फिश इंसान हो जिसे दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। अपनी बेटियां, माँ, किसी की परवाह नहीं है ना तुम्हें? तुम्हारी फीलिंग्स के साथ मैं कब खेला हूँ? मैं तो जब तुम्हारे साथ था, I never cheated on you. रही वो पूनम वाली बात, वो तुम्हारी गलत फहमी है। I didn't do anything. अब की बात और है। It's like a, you know, new babe every night. तो क्या करूं, मिठाई बांटूं? हाँ, look at you. ये लुक, ये बाइक, दो चार टैटूज क्या बनवा लिए तुम्हें? क्या लगता है तुम ना मिड लाइफ क्राइसिस के चलते फिरते चेकलिस्ट हो रोहित? 50 साल का बुड्ढा आदमी यंग लड़कियों के साथ घूमता है, खुद लगता है कि जवानी वापस आ जाएगी। अपना टाइम क्यों यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो? जस्ट गो ना, गो टू योर न्यू गर्लफ्रेंड। जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। पहले मुझे तुमसे बात करनी है। माय लॉयर विल टॉक टू यू। क्यों? लॉयर से क्यों डरती हो तुम मुझसे? मैं तुमसे डरूं? प्लीज, ओनली इन योर ड्रीम्स रोहित। तुम्हें पता है आज तक मेरे जिंदगी में कुछ रिग्रेट नहीं किया, बट यू आर माय बिगेस्ट रिग्रेट, बिगेस्ट फकिंग रिग्रेट। काश मैं तुमसे कभी मिली नहीं होती रोहित। स्टॉप इट। यू कैन टेल योर लॉयर टू किस माय एस। और अपने लवर वो हैरी से कहना कि वो अपनी एडवाइस, अपनी डिवोर्स तुम्हें दूंगा नहीं।